बस्ती जिले के थाना क्षेत्र परसरामपुर हैदराबाद दीपावली के दिन ही लगभग शाम 6:30 बजे भीषण आग लग गई। आग शिवम आशीष ऑटोमोबाइल सेल्स एंड सर्विस सेंटर के बेसमेंट में लगी। आग को देख करके लोगों में अफरा तफरी मच गई और चरसी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में भी आग लग गई, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ। जलकर खाक एजेंसी में 5 न्यू पल्सर गाड़ी व एक पुरानी बाइक भी जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बाद लगभग करीब 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। लगातार प्रयास के बाद भी 3 घंटे तक आग बुझाने का प्रयास जारी रहा, उसके बाद सफलता मिली। इसमें लगभग 25 से 30 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। खबर लिखे जाने तक आग कैसे लगी, किस कारण से लगी, इसका पता नहीं चल पाया। आग लगने के कारण संचालक सदमे में आ गया, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हालत को गंभीर देखकर उसे श्री हॉस्पिटल अयोध्या में एडमिट कराया गया है, जिसका नाम अयोध्या प्रसाद चौरसिया निवास स्थान अकबरपुर जिला गोंडा बताया जा रहा है। वहीं नजदीकी थाना परसरामपुर की पुलिस थाना अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, क्षेत्र अधिकारी शिव प्रकाश सिंह हरैया अपनी पूरी पुलिस बल के साथ वहां पे मौजूद थे। बस्ती से पंकज मिश्रा की रिपोर्ट।